Question 6. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line and circle. Circle is given here. x² plus y² equal to 4. One line is given. Line is given x equal to 2y. And in the first quadrant और x axis में जो area enclosed किया है ये निकालना है। अब first you have to draw the diagram। ये circle की standard equation आपको पता होगी, इसका center कहाँ पे lie कर रहा है? 0,0 पे। Standard equation होती है circle की x minus h square plus y minus k square is equal to r. Where h, k is the center and r is the radius. So h, k कितना है? आप 0,0 और radius है 4, radius है 2. फिर circle बना लीजिए इस तरह से. x और y. तो इसकी radius है 2. Radius है 2. तो ये सर्कल टू डायमीटर और इसका सेंटर है यहाँ पे ओरिजिन पे. अब x इक्वल टू रूट थ्री वाई एक लाइन बनाएंगे. तो ये x इक्वल टू वाई की लाइन है तो ये कुछ इस तरह से जाएंगे. इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं. जैसे आप ले लेंगे यहाँ पे पॉइंट, इफ x इज जीरो y इज जीरो, तो जीरो लेट किया तो जीरो आ गया. एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट से लाइन बनेगी, दो से बनेगी. अब आप लोग वाई को अगर वन ले लें, थ्री आएगा यहाँ पे, वन होगा. तो रूट थ्री मीन्स 1.7 समथिंग. तो 1.7 आएगा यहाँ पे और वाई वन और यहाँ पे टू और वाई वन. तो ये करीब इस तरह से जाके यहाँ पे कुछ बनेगी लाइन. थोड़ी सी इधर कर देता हूँ पीछे से, तो करीब यहाँ पे कोई लाइन यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे. ये रूट थ्री है और ये वन यहाँ पे आएगा. एप्रोक्स बना दिया लाइन को. अब हमें ये रीजन चाहिए जो बाउंड किया है इन्होंने, ऐसी लाइन जाएगी. ये रीजन एक्स एक्सिस में और इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बाउंड किया है. अब ये रीजन दो लाइनों के अंडर में आ रहा, दो चीजों के अंडर में आ रहा है. एक तो इस लाइन के अंडर में यहाँ तक ये 0 से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट पता नहीं रूट थ्री है क्या. दोनों कट करेंगे एक जगह पे, इसको फाइंड करेंगे हम लोग. और एक ये रीजन आ रहा है इसके अंडर में. हमें नहीं पता कि ये रूट थ्री से गया. अभी ये जा गया होगा रूट थ्री से. हमने तो अप्रोच करके एक लाइन बना ली, लाइन ऐसे जा रही है. रूट थ्री हमें पता नहीं है ना, इरेशनल नंबर है. 1.7 एप्रोक्स तो लिया है. अब ये पॉइंट पता करेंगे पहले, ये दोनों ने इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया है. इसको दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई की जगह पे वाई की जगह पे रख दीजिए एक्स अपॉन, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस, ये आएगा 4x² 3x² है सर. इधर एलसीएम लोगे तो 3x² प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू 3x इक्वल टू रूट 3 आ रहा है. तो इसका मतलब ये पॉइंट रूट 3 ही है. ये रूट 3 पे इंटरसेक्ट किया. अब इस लाइन के अंडर में तो रूट थ्री, तो जीरो से लेके एरिया जो आएगा जीरो से लेके रूट थ्री, ये लिमिट जो लगाई है किस एक्सिस पर लाई करती है? एक्स एक्सिस पे. निकाल सकते हैं
ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा ना, इसमें तो कोई सिंपल ऐड नहीं लगेगा। इसको डिफरेंशिएशन से निकाल लेंगे। हाँ उसको निकाल लेंगे, तो इसी से उसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको के लिए आएगा, ये लिमिट किस पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएगा डीएक्स, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो वाई है ये लाइन के अंडर में आ रहा है, तो लाइन का यहाँ से वाई निकालूंगा, इक्वेशन टू है तो मैं सब्जेक्ट में यहाँ पे टू लिख लेता हूँ, तो मतलब इक्वेशन टू से लेना है वाला वाई, तो किस लाइन के अंडर में आ रहा है। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, रूट थ्री से लेके टू तक, रूट थ्री से लेकर टू तक ये एरिया आ रहा है इसके अंदर में, सर्कल के अंदर में, और लिमिट किस एक्सिस पे लाइन करनी है, एक्स पे, तो डीएक्स लेंगे, और यहाँ पे वाई मान ले लेते हैं। अब यहाँ से आप प्राप्त तो होती है कि ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा रूट थ्री कोमा वन, तो आप किसका एरिया ऐसे भी निकाल सकती हैं, ये डिस्टेंस है रूट थ्री और ये डिस्टेंस है वन एंगल, हाफ इंटू बेस इनटू ये आएगा, जब आप इसको सॉल्व भी करोगे तब भी ये आएगा, इसे निकालो। अब वाई वन हमें इक्वेशन वन से वाई मिलेगा, तो ये आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी एक्स, ठीक है। बस अब आपको इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आंसर लिख लेना है, आंसर इंटीग्रेशन चलेगा यहाँ पे, लिमिट रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या हम याद है कब से करते रीड कर रीड कर दो क्वेश्चन सेवन, स्मॉलर पार्ट से एरिया निकालना है इसका। ये एक सर्कल है, आपको देख के पहचान में आना चाहिए कि वो सर्कल है, इसका रेडियस कितना होगा, उसका एंटर जीरो ओरिजिन पे होगा और रेडियस इसकी ए होगी, सर्कल को इस तरह से बनेगा ए से, ठीक है। अब सेंटर यहाँ पे आके सर्कल बन गया है, अब ये लाइन है, ये सर्कल बनाती है, लाइन कैसी बनेगी, एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, तो यहाँ पे होगा वन ए बाय टू, ए बाई टू का यहाँ पे होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ए है बीच में हाफ आएगा। अब मुझे ये बताओ पहले ए बाय टू बढ़ा या ए बाय रूट टू बढ़ा, हाँ ए बाय टू बढ़ा, हेलो पापा नहीं सर ये पर टू में बढ़ गया यार, बड़ा होता है इसका डिनोमिनेटर, छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो वन अपॉन 1.4 छोटा है या टू छोटा, 1.4 ये 1.4 समथिंग आता है, तो ये बड़ा होगा ए बाय रूट टू बड़ा होगा, ठीक है। तो ए बाय रूट टू इसके इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा बड़ा है, यहाँ पे आएगा ए बाय रूट, आई बात समझ में, तो एक्स इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन है एक्स इक्वल टू रूट ए बाय रूट थ्री, ठीक है। स्मॉलर पार्ट ये है पूरा, इसका एरिया निकालो, आई बात समझ में, फिगर ही मैंने इसमें। अब देखो एरिया जो आएगा, एरिया इक्वल टू कहां से, ए बाय रूट टू से ए तक, डीएस कितना पे डीवाई, डीएस क्योंकि एक्स एक्सिस पे दे रहे हैं, कहाँ पे डीएक्स लिख लिया, तो कहाँ पे वाई कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन वन से, तो वाई आएगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए,
फिर आपको इसको फॉर्मूला लगाना है, इसका सीधा फॉर्मूला है और लिमिट पुट करेंगे। कैसे? देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले रखेंगे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए तो जीरो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, यहाँ पे ए, तो ये ए स्क्वायर बाय टू और यहाँ पे ए रखेंगे तो वन आएगा, वन की जगह रखेंगे साइन 90, साइन 90 से साइन से साइन कट जाएगा, 90 बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर बाय टू इनटू 90 मतलब पाई बाय टू माइनस, अब यहाँ पे रखो ए बाय रूट टू, ए बाय टू और रूट टू, यहाँ पे ए बाय टू ये माइनस जो है माइनस, अब यहाँ पे रखो ए बाय रूट टू, मैं ये रख रहा हूँ ना यहाँ पे और यहाँ पे साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू आ जाएगा, ए अपॉन रूट टू, ए से ए कट गया, वन अपॉन रूट टू की जगह पे 45 ठीक है, इस तरह से चाहे तो आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, कहाँ पे यहाँ पे yes. यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, और इसमें एलसीएम लोगे तो 4 2 का 8 है ये, तो ये आएगा यहाँ पे 4 है, 8 एलसीएम लेंगे 2 माइनस ए स्क्वायर पर ले लिए, कुछ बात समझ में क्या नहीं आया बताओ, इसमें ए स्क्वायर पाई बाय 4 और ए स्क्वायर पाई टू पाई बाय 4 का एलसीएम लो, ए स्क्वायर पाई बाय 4 में से आधा ए स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस कर दिया, ठीक है, नीचे 8 आना चाहिए ना ये इसमें से आधा माइनस कर दिया तो आधा बचेगा ना, तो ए स्क्वायर पाई बाय 4 का आधा ये बचेगा और माइनस ए स्क्वायर बाय ये नहीं, ठीक है, आएगा समझ में, ऐसे रो रो मत, आ जाएगा समझ में, एक बार खुद से करके देखना करके आ जाएगा, और सर रखो समझ में तो अभी आ रहे होंगे आप लोगों को, क्वेश्चन ये होंगे नहीं पर कर देता होगा इन क्वेश्चन को, जब तक एक बार दो बार क्वेश्चनों को खुद से समझोगे नहीं तब तक ये होंगे नहीं, समझ में आते रहेंगे, जितनी बार कराएंगे उतनी बार ही समझ में आ जाएंगे, होंगे नहीं पर होंगे तभी जब खुद से कर दोगे एक बार दो बार, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू y स्क्वायर, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू a ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस एरिया को बनाते हैं, ये बताओ ये जो ये क्या है, ये किस चीज की क्वेश्चन है, पैराबोला, पैराबोला किधर जाएगा, ऐसे आएगा ना, क्योंकि इसी को देखते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ, एक्स इक्वल टू 4 जैसे जाएगा 4 से पास करती है, एक्स इक्वल टू 4 का मतलब एक्स 4 से पास करेगी लाइन और वाई एक्स इससे पैरेलल होगी, इस एरिया को एक्स इक्वल टू ए ने काट दिया, एक्स इक्वल टू ए कोई लाइन गई यहां से बीच में से ए से,
और इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल है। आ रही बात समझ में? अब ए की वैल्यू ढूंढनी है, तो एरिया जीरो से लेके ए तक डीएक्स लिखूंगा तो क्या लिखूं? वाई। तो ये तो पैराबोला के अंदर नहीं आ रहे हैं दोनों, इक्वल ए से लेके फोर तक। ये एरिया इसके इक्वल है, हमें पता थोड़ी कितना है, निकालेंगे तो पता लगेगा। पर ये तो पता है ना इक्वल है। हाँ तो इक्वल ले तो लिया, बोलो एक का निकाल आएगी, ये दो पार्ट इक्वल है तो हम एक का निकाल लेंगे ना, उसका इनटू टू कर देंगे, हमें इनटू टू भी कर देंगे, हमें एरिया निकालना ही नहीं है इसमें, हमें वैल्यू एक ही निकालनी है। एरिया निकालना होता तो एक का निकाल लेते, इनटू टू कर देते, एक का भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक का पता नहीं ये लाइन बीच में से कहां से किस पॉइंट पे बीच में से कटेगा कि इक्वल डिवाइड हो जाए। इक्वल तो उसने दे दिया है, समझ रहे हो? इसमें एरिया नहीं फाइंड करना, एरिया फाइंड करना होता तो आप बोल दो टू से मल्टीप्लाई कर देते फाइंड करके, हमें एक की वैल्यू पता करनी है। इंटीग्रेट करो, लिखो कॉपी में एक्स की जगह वाई की जगह रखोगे रूट एक्स, करो इक्वल डिवाइड वाला है, सॉरी एक्स पावर 3/2 नहीं कर पाओगे, इसको कॉपी में लिख लो और इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। इंटीग्रेट करो, लिमिट अप्लाई करो दोनों तरफ, शिफ्ट करो इधर उधर। चलो दो मिनट देते हैं आपको, पढ़ लोगे देख लो कैसे आएगा। हाँ एस की पावर 3/2 और 2/3 यहाँ पे लिख लो, लिमिट रख लूंगा 2/3 को इधर ही रख लो, लिमिट इसमें रख लो, कॉन्स्टेंट है बाहर ही जाएगा। एस की इसका 2/3, एस की पावर 3/2 और ए, ये तो कट गया। अब ए रखो, ए की पावर 3/2, फिर माइनस, फिर जीरो रखो तो जीरो, फोर रखो, फोर की पावर माइनस ए की पावर, इस ए की पावर 3/2 को इधर ले आओ तो 2a की पावर 3/2 हो जाएगा। ए की पावर 3/2 और ए की पावर 3/2 दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे। अब इस 2 को नीचे भेज देते हैं, ये 4 है, 4 की पावर 3 कितना आएगा? 64। 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 की पावर 1/2, मैं कह रहा हूँ 64 का रूट है, तू इधर से आने लग रहा है। हाँ जी बताइए, हम इसे 2 को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 नहीं आएगा, 8 आएगा, बी में आएगा, ऐसे कर लो 8/2 इक्वल टू 4। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सही कह रही है, 2 की पावर 2 लिख लो, 2 से 2 कट जाएगा 8 आ जाएगा, ऐसे सही है। ए की पावर 3/2 अगर 4 आ रहा है, हाँ जी, तो अगर पावर को इधर शिफ्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ए की ए इक्वल टू 4 की पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा। और बताओ सर, मुझे लगा वो 0 है, 1 में हमारा गलत, ये हां ऐसा क्यों लगा, मैं यहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं आया करूं मैं, अच्छा चलो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन 9 देखिए, रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक तो y इक्वल टू x स्क्वायर और एक कह रहा है y इक्वल टू मॉड x, इस मॉडल फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ वाई या तो एक्स होगा या वाई माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये मॉडुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा पता है हम लोगों को? मॉडुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है पता है? मेरा नाम पता है? मेरे नाम का पहला लेटर पता है? ऐसे रहो। ये मॉडल का ग्राफ है, ठीक है। तो ये पता वाई इक्वल टू एक्स आ रही है तो ये इसका ग्राफ बना है। इधर वाली लाइन वाई इक्वल टू एक्स है और इधर वाली लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस में चल रहा है इधर प्लस। और ये जो कंडीशन थी ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए थी और ये एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए थी। इसके बाद ये बताओ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जल्दी देखो ऐसे वाई को देखना है, जिसकी पावर वन है बस उसको देखना है वाई की तरफ जाए। अब हमने जो रीजन है ये दोनों ने जो मिलके बनाया है ये गोल इसका एरिया निकालो है, ये जो डिजाइन बना है इसका एरिया ये क्या है, ये पॉइंट है ये मुझे ये पॉइंट दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों जहां पे कट किए हैं पैराबोला और लाइन। पहले इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक लेना है। हाँ सही समझ रहे हैं आप। ये कैसे फाइंड करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये क्या लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? x के, x कितना आएगा? वन आएगा ना, समझ में आ रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला है। दो इक्वेशन है, जब दो ग्राफ कट करते हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे में पुट कर दो तो ये एक्स स्क्वायर को एक्स के इक्वल ले सकते हैं। एक्स नीचे गया, एक्स ने एक्स को काट दिया तो वन आ गया, तो ये पॉइंट आ गया मामा। x स्क्वायर इज इक्वल टू x का नहीं कि तो रूट x आना चाहिए ना। हां तो वो बन गया तो अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिखा x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 1 से पावर में भी x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू रूट x भी होगा, x इक्वल टू रूट x भी होगा, पर x निकालने के लिए उसको डिवाइड में ले आएंगे। इसके बाद ऐसा लग गया, क्यों लग रहा है कल पेपर है आपका? अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, इस केस में एरिया कैसे निकलेगा? इस केस में जो लाइन है ना, इसके अंडर में जो एरिया है लाइन के अंडर में, ऐसे ऐसे लाइन जा रही है और ये ऐसे बना है 1 0 to 1। इस जब लाइन के अंदर में जीरो से मैं एरिया लूंगा तो सारा एरिया आ जाएगा। हमें सारा एरिया नहीं चाहिए, हमें इसमें इसमें से मिलते जो ये ऐसे जा रहा है ये वाला एरिया नहीं चाहिए और ये लाइन ऐसे जा रही है। अब इसमें ये सारा एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया किसके अंदर में आ रहा है? लाइन के अंदर में, और इस कर्व के अंदर में आ रहा है ये वाला एरिया जो हमें नहीं चाहिए। तो हम इस सारे एरिया में से अगर ये नीचे वाला एरिया माइनस करते हैं तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तुम लोग क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड एरिया इक्वल टू एरिया अंडर एरिया
एरिया अंडर पैराबोला, जो पैराबोला के अंडर में एरिया है उसको माइनस कर देंगे, अंडर द लाइन कैसे आएगा, जीरो से जीरो से वन ही रहेगा एरिया तो दोनों में। अब ये ले लो इक्वेशन, ये वन ले रखी है, आज तो थे पर है नहीं, पता नहीं कौन है, कौन है आपके पास, अभी करता हूँ कौन है, वन है और ये इक्वेशन टू है, तो क्या करो टू में से ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, चलो ऐसे लिख लो फिर वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, यहाँ पे वाई कहाँ से रखेंगे पैराबोला, और यहाँ से वाई कहाँ से रखेंगे लाइन से, ये कह रहा था मैं लाइन का ये टू है और ये वन है, मान लो यहाँ पे रखेंगे एक्स, यहाँ पे रखेंगे एक्स और यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, एरिया निकालना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक साथ भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 एक साथ भी कर सकते हैं, लिमिट से x माइनस x स्क्वायर का रखो निकालो, कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन dx एक बार लगा लिया माइनस कर दिए, तो खोलोगे तो वही आ जाएगा, कर दो सॉल्व इसको आंसर देखो क्या आ रहा है, तो ये निकालना था, अब इसको था टोटल को टू से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, टू से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इधर भी तो बनता है वाला डिजाइन, अब ये कैसे निकाल रहे हैं वाई डी एक्स कर रहे हैं बस, जीरो से एक तक वाई डी एक्स, जीरो से एक तक वाई डी एक्स, ठीक है क्या आंसर है, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और